मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ बेल बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको सबसे पहले पता चले कि मैंने नई रेसिपी कब और क्या ऐड की है। आप सब मैं बिल्कुल ठीक, उम्मीद करती हूँ आप भी मजे में होंगे। दोस्तों आज की रेसिपी झटपट रेसिपी 2 मिनट रेसिपी हम बनाएंगे एग के साथ एग टोस्ट, जो कि बेसिकली बहुत फेमस है इंडिया में फ्रेंच टोस्ट के नाम से। दोस्तों ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसे टिफिन में भी दे सकती हैं, आप इसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में खा सकती हैं, इवनिंग स्नैक की तरह खा सकती हैं। बच्चे जब झटपट भूख लगे कुछ मांगते हैं, आसान सी रेसिपी आप बना सकते हैं। तो चलिए इस झटपट सी रेसिपी को बनाएंगे हम एग के साथ और चीज के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एग एंड चीज टोस्ट। दोस्तों आप प्लेन एग के साथ भी बना सकती हैं। तो मैं ले रही हूँ 4 से 5 आप एग्स लें, और साथ में चाहिएगा बारीक कटा प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटे टमाटर, साथ में दोस्तों थोड़ा सा नमक और काली मिर्च चाहिए होगी। हम थोड़ा सा तेल इस्तेमाल करेंगे, इसे बनाने के लिए ज़्यादा ऑयल नहीं लगता। व्हाइट ब्रेड के साथ बनाएंगे, आप ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हम इसका एक चीज़ वर्जन भी बना रहे हैं, तो आप चीज़ स्लाइस इस्तेमाल कर सकती हैं, चीज़ स्प्रेड इस्तेमाल कर सकती हैं, नहीं तो चीज़ को ग्रेट करके भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। सबसे पहले बाउल में आप अंडे तोड़ कर डालें, तो मैं 4 अंडे देखिए तोड़ कर डालें। अब मैं इसमें बारीक कटे प्याज ऐड कर रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा प्याज, बहुत ज़्यादा टमाटर ना डालें, थोड़ा थोड़ा डालें, क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं और बेसिक टेस्ट चला जाता है कि ज़्यादा सब्जियाँ ऐड हो जाएँ। तो आप 1-1 चम्मच सब डाल लें। हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है ऑमलेट में, या फिर एग की बनी कोई भी चीज़ हो तो आप हरा धनिया ज़रूर ऐड करें, नहीं है तो कोई बात नहीं आप स्किप कर सकती हैं। थोड़ी सी हरी मिर्च, अगर बच्चों के लिए बनानी है तो हरी मिर्च ना ऐड करें, उनके मुंह में एक भी टुकड़ा चला गया तो नहीं खाएंगे। साथ में हसबे जायका इनके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड करेंगे नमक, मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे ताकि ब्लैक पेपर का जो है खुशबू आए लेकिन कलर नहीं चेंज होना चाहिए। तो इसे अच्छे से अब हम बीट कर लेते हैं। हमने बहुत ही सिंपल चीज़ें ऐड की हैं, आप चाहें तो इसमें कैप्सिकम और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जितनी सिंपल रखेंगी उतनी अच्छी बनेगी। अब इस तरीके से ट्राइंगल आप ब्रेड स्लाइसेस कर लें, इस तरीके से 2 टुकड़े काटें जैसे ब्रेड पकौड़े के लिए काटते हैं, या फिर आप अगर चीज़ वर्जन बनाना चाहती हैं चीज़ स्लाइस लगाएं, इसे इस तरीके से आप क्लोज करें। आप डिप करके इस तरीके से पूरे स्लाइस को बना सकती हैं और बाद में कट कर सकती हैं, नहीं तो आप इस तरीके से चीज़ स्प्रेड को भी लगा लें ब्रेड पर, या आप ग्रेटेड चीज़ लें उसे इस तरीके से ब्रेड पर लगा लें। तो मैं बहुत सारा चीज़ स्लाइस, ये चीज़ स्प्रेड लगा रही हूँ स्लाइस के ऊपर, ताकि जब हम बनाएं बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए, टेस्टी लगे। आप कम भी लगा सकती हैं। तो देखिए इसे भी हम सेंटर से इसे काट लेंगे तो बहुत अच्छे से चिपक गए पीस आपस में, तो बहुत अच्छे से ये भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो देखिए मैंने पैन भी रख दिया है, आप तवा जिस पर रोटी बनाती हूँ उस पर भी आप ये टोस्ट बना सकती हैं। तो इस पर थोड़ा सा तेल डालें, चारों तरफ फैला लें और मीडियम फ्लेम पर गर्म करें। अब आप ब्रेड स्लाइस को जो हमने एग बीट करके रखे हुए थे हरा धनिया प्याज टमाटर के साथ उसमें डिप करें, और एक तरफ देखिए सब्जियां तो एक तरफ आ गई हैं लेकिन दूसरी तरफ स्लाइस जो है हमारा प्लेन है। तो आप थोड़ा सा हाथ से या स्पून से थोड़ी से प्याज और इस तरीके से फैला कर रख दें ब्रेड स्लाइस के ऊपर। आप एक साथ 2 से 3 आराम से बना सकती हैं फ्रेंच टोस्ट तवे पर। तो देखिए इन्हें आप इवनली दोनों तरफ से सेकें, पलट कर पकाएं और मीडियम आंच पर ही पकाएं। तो अगर फ्लेम बहुत तेज होगी, तेल ज्यादा गर्म होगा तो एक तरफ से ब्राउन तो हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो आप इन्हें मीडियम फ्लेम पर पकाएं। तो देखिए इवनली दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिकाई हो गई है, बहुत अच्छे से हमारी फ्रेंच टोस्ट या एग टोस्ट बनकर रेडी है। ऐसे ही हम चीज वाला भी बना लेते हैं। आप चीज वाले को भी इसी तरीके से दोस्तों डिप करें, और जिस तरफ सब्जियां इकट्ठी आई हैं आप उस तरफ को तवे पर रखें और ऊपर की परत पर भी सब्जियां डाल दें। फ्रेंच टोस्ट को दोस्तों दोनों तरफ से सेकें और ये 2 से 3 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से हल्का हल्का दबाते हुए इन्हें सेक लें। देखिए चीज से भरा हमारा फ्रेंच टोस्ट जो है चीजी बिल्कुल बनकर रेडी है। इसे भी हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों, चीज और एग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आपके लिए झटपट फ्रेंच टोस्ट बनकर रेडी है। न सिर्फ ये बनाने आसान है, खाने में बहुत लजीज है। अगर आप नाश्ते में सोचिए क्या आसान चीज बनाई जाए और बच्चों को पसंद भी आए, तो आप ये बना सकती हैं। आप ये टिफिन में भी दे सकती हैं, इवनिंग स्नैक में बना सकती हैं, और शाम को चाय के साथ गेस्ट को भी खिला सकती हैं। पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसे जल्दी बनाएंगी। अगली बार नई रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, और मेरा चैनल कुक विद मोनिका जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।